नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है दोस्तों कौन सा फल है, आप लोग पहचान गए होंगे, ये है दोस्तों जामुन। जैसे ही आम का मौसम आता है, उसी मौसम में ये मार्केट में जामुन भी आ जाता है, और ये जामुन हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हम में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जामुन सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और कई रोगों में फ़ायदा पहुंचाता है। तो आज मैं आपको इस जामुन के औषधि गुण बताती हूँ। आपको आपने अगर औषधि गुण इसके जान लिए तो समझ लो आज से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये जो जामुन है, जामुन होता है काले कलर का यानी ब्लैक कलर का, और इसका जो स्वाद होता है वो होता है कसैला, और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक। तो दोस्तों, जब एक फल में इतने सारे पोषक तत्व मिल जाएं और अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आप खुद ही समझिए कि आपके शरीर में कितना फायदेमंद रहेगा ये जामुन। तो जैसे कि दोस्तों, जो डायबिटीज के भाई बहन हैं उनको इस जामुन का सेवन रोज नियम से करना चाहिए। कितना चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आप बोलेंगे कि जामुन तो 12 महीने नहीं मिलते हैं, तो हम इसका सेवन रोज कैसे करेंगे? दोस्तों, अगर जब तक जामुन यानी कि जब तक ये फल मिल रहा है तब तक आप इसका सेवन करिए, और इसके बाद में क्या करें, आपकी इसकी जो गुठलियाँ हैं इनको आप ले लीजिए और इनको सुखा करके इसका पाउडर बनाइए और पाउडर का सेवन करें पानी के साथ में, तो हो गया ना, आपका जो डायबिटीज है कंट्रोल हो जाएगा। आप इसको जरूर ट्राई करिए और इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा मात्र 3 दिन में। इसको आप जरूर ट्राई करना। इसको वैद्य लोग सभी लोग बताते हैं, डॉक्टर वैद्य सभी लोग बताते हैं। तो आप क्या करें, मेरे कहने का मतलब है, ये जो जामुन है, ये जामुन का पल्प भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, जामुन की पत्तियाँ भी फायदेमंद है, जामुन की गुठलियाँ भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, ये जो जामुन है रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है। जामुन के मौसम में इसके नियमित सेवन से डायबिटीज के मरीज को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। इससे शुगर के मरीजों को होने वाली समस्या जैसे बार बार प्यास लगना और बार बार यूरिन पास होना, इन सभी रोगों को समाप्त करके आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये शरीर में फायदा पहुँचाता है। जामुन में पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होता है, जो कि व्यक्ति को, जो डायबिटीज के भाई बहन हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर से बचाता है, हार्ट अटैक से बचाता है, स्ट्रोक से बचाता है यानी कि ब्लॉकेज से बचाता है ये जामुन। इसलिए आप जामुन के मौसम में 6 से 7 जामुन रोज खाइए नियम से, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। 6 से 7 जामुन का सेवन करिए, आप देखेंगे आप हर तरीके की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अब अगर किसी भी व्यक्ति को खून की कमी होती है यानी कि खून की कमी पाई जाती है किसी भी व्यक्ति में, तो उसे भी जामुन का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। इससे आपके शरीर में खून की कमी पूरी होगी यानी कि खून का स्तर बढ़ जाएगा। जामुन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ये जामुन। और इस जामुन का सेवन हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो बीमार हो या फिर ना हो, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको भी करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हर मौसम में जो फल मिलता है, हर मौसम में उस फल का सेवन करना चाहिए। हर एक फल का अलग अलग पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर को मिलने यानी कि मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप 5 से 6 जामुन रोज नियम से खाइए जब भी मौसम आता है जामुन का। और अब आपको मैं बता दूं, अगर आपको, अगर आपके दांतों में पायरिया की प्रॉब्लम है, दांतों में कीड़े लगे हैं या फिर मुंह में छाले हैं, तो आप एक जामुन की 2 पत्तियां लीजिए और इसको आप क्या करें, चबा करके यानी कि चबा करके थूक दीजिए, तो उसका रस आपके दांतों में लगे पायरिया को ख़त्म करेगा, मसूड़ों की सूजन को ख़त्म करेगा, अगर दांतों में ब्लड भी आ रहा है तो वो भी सही करेगा इनकी पत्तियां। और पत्तियां हरी नहीं मिल रही हैं तो पत्तियों को लेकर के सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, तब यूज करिए आप अपने, उससे मंजन करिए, तो आपके दांतों की सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी मात्र इसी जामुन की पत्तियों से। अब ये जो गुठलियाँ हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों, इसको सुखा करके आप पाउडर भी बना सकते हैं।
और अगर सुखा कर पाउडर बना लीजिए। और जिन भाई बहनों की स्टोन की प्रॉब्लम है यानी कि पथरी हो गई है, तो वो क्या करें, इसका पाउडर बना करके और इस पाउडर को दही में यानी गुठली का पाउडर बना करके दही में मिला करके आप खाइए, आपकी जो पथरी है वो टूट टूट करके पिघल करके बाहर निकल जाएगी, वो भी बिना ऑपरेशन। तो इसको आप ज़रूर यूज करिए, बहुत ही ज़्यादा कमाल का ये नुस्खा है। अगर आपके एसिडिटी से परेशान है, आपको कब्ज की शिकायत है, तब भी दोस्तों आप इस जामुन का सेवन करिए, जामुन का या फिर जामुन के पाउडर का या फिर यानी कि गुठलियों के पाउडर का या फिर जामुन की पत्तियों का पाउडर, कुछ भी आपको मिल जाए, इसकी छाल भी मिलती है मार्केट में, छाल का आप काढ़ा बना लीजिए। यानी कहने का मतलब है 12 महीने आप इसको यूज कर सकते हैं आराम से। लेकिन 12 महीने आपको इसको यूज कैसे करना है, जो शुगर के भाई बहन हैं वो इसका सेवन रोज नियम से कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि इसका फल खाइए जब तक फल मिले, तो 5 से 6 फल आप इसका यानी जामुन रोज खाइए नियम से। और दोस्तों अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तब भी आप इसको नियम से जब तक फल मिल रहा है आप इसको खाइए और इसका लगातार 2 महीने तक सेवन कर लीजिए, बस उसके बाद में आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप क्या करें, इसका जो गुठली का जो पाउडर है ये भी लीजिए या फिर आप इसके पत्तों का पाउडर को बना लीजिए और 15 दिन तक इसका पाउडर खाइए 1 चम्मच, और उसके बाद में आप इसको खाना बंद कर दीजिए। बस 15 दिन तक लगातार सेवन करिए और 15 दिन बंद कर दीजिए, और उसके बाद में फिर 15 दिन खा लीजिए और उसके बाद में बंद कर दीजिए। आपको पूरा फायदा मिलेगा, आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती लाएगा। अब अगर आपको दाल खाज खुजली की प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, इस जामुन का जो ये पल्प है इस पल्प से हम निकालेंगे जूस को। तो इस तरीके से आप जामुन का जूस ले लीजिए। और दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे मार्केट में जामुन का छिरका भी मिलता है, यानी कि जामुन का सिरका भी बनाया जाता है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप इस तरीके से क्या करिए, इस जूस को अपनी दाँत खाज खुजली में जहाँ कहीं पर भी है आप उस जगह पर लगा दीजिए और आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपकी दाँत खाज खुजली बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे कभी थी ही नहीं। यानी बहुत ही ज़्यादा कमाल का ये फल है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हमारे शरीर को, यानी एक एक अंग को ये अच्छा करता है, हमारी सारी नस नाड़ियों को ये अच्छा करता है ये जामुन। जामुन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों, आपकी हर एक समस्या को दूर करेगा। इसको जो रोगी हैं वो भी खा सकते हैं और जो निरोगी हैं वो भी खा सकते हैं। 5 से 6 जामुन आप रोज खाइए, लेकिन इसको कभी भी खाली पेट ना खाएं, और जामुन के पाउडर को कभी भी दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, आपको इसको पानी के साथ लेना होगा। और कुछ खाना वगैरह कुछ खा लें या नाश्ता कर लें या खाना खा लें, खाली पेट कभी ना लें। आप 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप खा सकते हैं, दोपहर में आप खाइए आराम से जामुन को, जामुन थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए और फिर इसको खाइए, आप देखेंगे आपके पेट की कब्ज गैस सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा मात्र एक इस फल से। दोस्तों आपको मैं बता दूं 12 महीने कोई ना कोई फल आते रहते हैं, आप उन सभी फलों का सेवन करते रहेंगे तो आप कभी भी जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं तब तक के लिए नमस्कार।